नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ। हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सही समय पर सुप्रीम कोर्ट करेगा हस्तक्षेप। कर्नाटक में छिड़ा विवाद सड़कों से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाए, सही समय आने पर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगा। पहले चयन के बाद दूसरे पटकनी देने के लिए दलों में दंगल, बैक टू बैक रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज की पटियाला में रहे मौजूद। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने रामपुर में सपा रालोद का संयुक्त चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली और शाहजहां में जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये जिन्ना की बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शाहजहांपुर के दादरोल से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जमकर घेराव किया। सीएम योगी ने कहा, अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये जातिवाद की बात करते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं, मैं समय विकास की बात करता हूं तो ये कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं, मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये जिन्ना की बात करने लगते हैं। अल्मोड़ा में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, ये चुनाव पलायन को पलटने और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला चुनाव होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ रहा है, उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी, सब में डालो फूट और मिलकर कर लो लूट की नीति का काम करती है कांग्रेस। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सब में डालो फूट और मिलकर करो लूट की नीति पर काम करती है। बरेली में विपक्ष पर बरसे अमित शाह, बोले पहले माफियाओं को मिलता था संरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बरेली की भोजीपुरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी से माफियाओं को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि पहले माफियाओं को संरक्षण मिलती थी, बीजेपी की सरकार में माफियाओं को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि अतीक आजम और मुख्तार सब जेल में है। कैराना में रिकॉर्ड वोटिंग पर बीजेपी का जोश हाई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव पूरा हुआ, जनता ने इस बात का संकेत दे दिया है कि ईवीएम में कमल ही कमल खिला है। कैराना से काशी आते आते बीजेपी के पक्ष में दोगुनी लहर होगी। एक बार फिर विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है जिससे जनता उखाड़ फेंकेगी। बजट सत्र 2022 के पहले भाग का समापन, राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च 2022 तक के लिए हुई स्थगित। कांग्रेस पर गरजे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले इनकी कथनी और करनी को जनता ने परख लिया, इस बार फिर खिलेगा कमल। सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का ख्याल करते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र को जनता की राय शुमारी के बाद ही तैयार किया गया है। जहां अमित शाह ने संभाली थी प्रचार की कमान, वहां पड़े जमकर वोट, हुआ रिकॉर्ड मतदान। पलायन को लेकर कैराना सुर्खियों में रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहां से भाजपा के प्रचार का जिम्मा संभाला था। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने 22 जनवरी को कैराना में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी के लिए वोट मांगा था। रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी देने की मांग, निकला कैंडल मार्च। रुपेश पांडे अमर रहे और जस्टिस फॉर रुपेश पांडे का नारा गूंजा। साथ ही कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 8 फरवरी 2022 को हजारीबाग में हुए रुपेश पांडे हत्याकांड में 27 आरोपितों मुस्लिमों और 100 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट दर्ज की गई है। फांसी दो या बेटे के हत्यारों को मुझे दे दो, तड़पा तड़पा के मारूंगी, बोली रुपेश पांडे की मां। न्याय के लिए जगह जगह कैंडल मार्च। हरिद्वार में शिवराज सिंह बोले, उत्तराखंड में पिछली बार से ज्यादा वोटें मिलेंगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार जारी है और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए कल यानी गुरुवार को वोटिंग कराई गई। यूपी के उन्नाव में दलित युवती का शव मिलने पर मायावती हमलावर, बोली सरकार सख्त कार्रवाई करे। शेयर बाजार फिर धड़ाम, सेंसेक्स में 1000 अंक की गिरावट, निफ्टी भी फिसला। मौजूदा सप्ताह शेयर बाजार के लिहाज से बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को 3 दिनों की तेजी से बाद शेयर बंद हो गया है। विराट कोहली को सुनील गावस्कर का समर्थन, विराट कोहली के फॉर्म पर सवाल उठाने वालों को गावस्कर का दो टूक जवाब मिला है। कहा उसे बस थोड़ा लक चाहिए। विराट कोहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं, जिन्हें फैंस काफी निराश हैं। फरवरी से बढ़ेगा कोहरे का प्रकोप, 2 दिन हवा रहेगी साफ। मौसम विभाग के मुताबिक 13 से 16 फरवरी के बीच सुबह घना कोहरा पड़ने की पूरी संभावना है। दिन में बादल साफ रहेंगे और तेज धूप निकलेगी। बिटकॉइन की कीमतों में तेजी, एथेरियम में आई गिरावट। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटे के दौरान 3.30% गिरावट के साथ $1.96 ट्रिलियन पर पहुंच गया है।
देश में 100 दिनों से नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल के भाव में मामूली सुस्ती। कच्चे तेल की महंगी कीमतों का असर भारत की आम जनता पर फिलहाल नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें लगातार महंगी होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश में 100 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में डाउन हुआ एयरटेल नेटवर्क, कंपनी ने ग्राहकों से मांगी माफी। मोदी सरकार का कमाल, नया बिजनेस शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में हुआ शामिल। सामने आया रणबीर कपूर की शमशेरा का टीजर, संजय दत्त और वाणी कपूर की फिल्म 18 मार्च 2022 को होगी रिलीज। देश में कम हुआ कोरोना केस, 58,000 नए मामले आए सामने, 657 लोगों की हुई मौत। नया पाकिस्तान बनाने में फेल हुए इमरान खान, पहली बार स्वीकारी अपनी गलती, कहा वादों पर नहीं उतरा खरा। पाकिस्तान में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके अलावा बेरोजगारी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, ऐसे में आवाम का जीना बेहाल हो गया है। रूस और यूक्रेन तनाव गंभीर हालात में पहुंचे, जो बाइडेन की चेतावनी, अमेरिकी नागरिक तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, रूस से कभी भी सीधी लड़ाई हो सकती है शुरू। ये तो थी आज पूरे दिन की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही सत्य और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एचसी न्यूज़। धन्यवाद।